प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज 2 मार्च 2024 को क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान और संस्कृत का वीकली टेस्ट लिया गया। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपके सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से प्रश्न आए थे। और बच्चा, ये सारे प्रश्न मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है? सारे के सारे प्रश्न मैंने आपको बताया था और करवाया था। साथ ही साथ मैंने आपको कहा था कि आप राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल में मानव संसाधन पाठ को पढ़ लीजिएगा, इन्हीं से प्रश्न आपके वीकली टेस्ट में आए थे। तो चलिए देखते हैं कौन से प्रश्न आए थे। पहले सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। यदि आपने अभी तक भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना है। देखते हैं, सबसे पहला खंड का में आपको यहाँ पर वैकल्पिक प्रश्न थे, सही विकल्प का चयन करना था। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन कितनों चरणों में संपन्न हुआ था? 2, 3, 5 या 7? मैंने इस प्रश्न को आपको चरण के साथ करवाया था, ठीक है? 1857 से 1905, 1905 से 1920, 1920 से 1947, 3 चरण में हुआ था। सही उत्तर होगा 3। और जो तीसरा चरण है उसे हम लोग गांधी युग के नाम से जानते हैं। इन सभी चीजों की चर्चा हमने शानदार तरीके से क्लासेस में की थी। दूसरा प्रश्न पूछा गया, दिल्ली को राजधानी अंग्रेजों ने कब बनाया? 1911 ईस्वी, 1910 ईस्वी, 1912 ईस्वी या 1913 ईस्वी? बताइए इसका सही उत्तर आपने क्या किया है। दूसरे प्रश्न में आपने सही उत्तर क्या किया है? तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर ये हो जाएगा, 1911 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली को राजधानी बनाया था, ठीक है? चलिए तीसरा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया, आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? विकल्प दे रखा है, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या फिर इनमें से भगत सिंह, बताइएगा। बिल्कुल सही, जिसने नारा दिया था, दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जिसके जन्मदिन पर हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। सही उत्तर होगा ए। सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल सही बच्चा, ए हो जाएगा। भारत स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के आपको बताना है, क्या हो जाएगा सही उत्तर? बिल्कुल सही बच्चा, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा DC राजगोपालाचारी। डी सही उत्तर होगा, चक्र राजगोपालाचारी। जब भगत सिंह को फांसी दी गई तब उसकी उम्र कितनी थी? सबसे पहले तो आप सभी यहाँ यह बताइए, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, ये बताइए। तो यहाँ पर आप सभी बता रहे हो कि सर 24 मार्च को, बिल्कुल सही, 24 मार्च को इन्हें फांसी दी गई थी, 24 मार्च 1931, 24 मार्च 1931 को दी गई थी। उस समय इनकी उम्र मात्र 23 साल की थी। तो सही उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा, 23 साल, ठीक है? जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? स्थलाकृति, जलवायु, मृदा या उपयुक्त सभी? तो सही उत्तर यहाँ पर होगा उपयुक्त सभी। स्थलाकृति भी है, जलवायु भी है, मृदा भी है, यानी कि इनमें से सभी बिल्कुल सही उत्तर है। देश छोड़कर दूसरे देश जाकर जाने वाले को क्या कहते हैं? देखिए, देश छोड़कर दूसरे देश जो जाते हैं उसको बोलते हैं प्रवासी, ठीक है? एक देश को जाकर दूसरे देश चले जाना प्रवासी कहलाएंगे। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे सही उत्तर बी था, 11 जुलाई। प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं जन्म दर एवं मृत्यु दर का अंतर, जन्म दर एवं मृत्यु दर का समानता, ए और बी दोनों। तो सही उत्तर यहाँ पर ए था, जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर को हम यहाँ पर प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर,
भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो देखिए, प्रथम अगर पूछेगा तो 1872 बताइएगा, और नियमित पूछता तो 1881 करते। इन दोनों प्रश्नों को मैंने बताया था कि आपको नियमित पूछना है तो क्या करिएगा, यदि आपको प्रथम पूछता है तो क्या कीजिएगा। बहुत बेहतरीन। चलिए, यहाँ पे अगला प्रश्न दे रखा था रॉलेक्ट एक्ट क्या था, तो यहाँ पर बताएंगे रॉलेक्ट एक्ट आपने क्या लिखा है। आपको मैंने कहा था कि आपको राष्ट्रीय आंदोलन इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना है, तो जितने बच्चों ने इसे पढ़ कर गया होगा अच्छे से, उन सभी का उत्तर यहाँ पर सही आएगा। तो देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में आप क्या लिखते हैं, सॉरी रॉलेक्ट एक्ट के बारे में आप क्या लिखते हैं, तो रॉलेक्ट एक्ट एक काना कानून था जिसमें जितने भी इसमें सदस्य थे सभी यहाँ पे अंग्रेज थे, इसीलिए इसे काला कानून भी कहा गया। ठीक है, इतना भी लिख देते तो आपको यहाँ पर सही हो जाता। ओके, अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन क्यों किया था, तो यहाँ पर लिखना था आपको अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। वे सभी जानते थे कि भारत में हिंदू मुस्लिम एकता बहुत ही अच्छी है, बहुत ही एकजुट से है, इसलिए उन्होंने इसके बीच फूट डालने के लिए बंगाल का विभाजन किया था। अपने शब्दों में लिखना था, ये नहीं कि रटा रटा है, नहीं बच्चा, अपने शब्दों में लिखना था। मानव एक संसाधन है कैसे, मानव एक संसाधन है कैसे, इसका उत्तर आपने क्या लिखा बताइए, इसका उत्तर आपने क्या लिखा, मानव एक संसाधन है। हाँ, जितने भी बच्चे अभी तक WhatsApp ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, देखिए इस वीडियो के लिंक में आपको WhatsApp ग्रुप का लिंक दिया है, WhatsApp ग्रुप का, तो आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए बच्चा। वहाँ पर आपको बहुत ही शानदार सी क्लासेस, बहुत ही शानदार से नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना था मानव एक संसाधन है कैसे, पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के संसाधन हैं उनका दोहन एवं उपयोग मनुष्य ही कर सकता है, इसी प्रकार पृथ्वी का सबसे मूल्यवान संसाधन मानव है। अगला दे रखा है मानवीय कारक किस प्रकार जनसंख्या को प्रभावित करता है, तो इसका उत्तर आपने क्या लिखा, तो यहाँ पर लिखना है कि मानवीय के क्रियाकलाप बहुत तरह से जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, ये आप लिख लीजिएगा। और 15वां प्रश्न भी आपको दे रखा था जनसंख्या परिवर्तन की प्रमुख तीन प्रक्रियाएं कौन सी है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ये आपको उत्तर लिखना था। थैंक यू बच्चा।